हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संदीप सिंह आपको पढ़ाऊंगा एंटो 311, जिसका टाइटल रहेगा पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर ग्रेन डियर मैनेजमेंट, कि फसलों के हानिकारक कीट और जितने भी आप अनाज को जो भी संग्रहित करते हो ना, संग्रहण करके जितने भी अपने सीड रखते हैं, अनाज रखते हो, जैसे नॉर्मल अगर अपने लैंग्वेज की बात करें तो गेहूं हो गया है ना, चने हो गए, इनको जो अपने स्टोर करके करते हैं तो उसके अंदर जितने भी पेस्ट अटैक करते हैं या कीड़े जितने भी हैं वो उनको ख़राब करते हैं, उनकी स्टडी हम इस टाइटल के अंदर करेंगे। तो एंटो 311 को स्टार्ट करते समय हम सबसे पहले देखते हैं कि जो डेफिनेशन हमें देखनी है कि व्हाट इज़ पेस्ट, कि पेस्ट क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग रखनी है अपने को पेस्ट। एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कि पेस्ट क्या है। और एक तो देखो नॉर्मल हम बात करेंगे प्रॉपर जितने भी पेस्ट हैं कि पेस्ट क्या है, और दूसरी अपने बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट की, इंसेक्ट पेस्ट। तो हम देखते हैं, देखो पेस्ट वो होते हैं जो किसी भी क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट छोड़ते हैं किसी भी क्रॉप के ऊपर या किसी भी फसल को ख़राब करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक जीवित जीव जो है, अगर अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो बड़े जीव हैं जैसे खरगोश हो गया, चूहे हो गए है ना, आवारा पशु हो गए, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, वो सारे के सारे आते हैं पेस्ट के अंदर। मतलब जैसे हमें पता चलता है कि पेस्ट की डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी जीव जो फसलों को हानि पहुंचाता है, अपने हार्मफुल इफेक्ट देता है, वो क्या है, पेस्ट है। और इसके अंदर हम इस टाइटल के अंदर हमें पढ़ने हैं क्रॉप के पेस्ट, और किसके बारे में है, एंटोमोलॉजी है, इंसेक्ट के बारे में है, तो हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। तो इंसेक्ट पेस्ट की अगर अपने बात करें तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो इंसेक्ट हैं, मतलब जो कीट हैं, वो पेस्ट कब कहे जाएंगे, तो वो पेस्ट तब कहे जाएंगे अगर कीटों के द्वारा फसलों को हानि हो रही है। मतलब कोई भी इंसेक्ट फसलों को डैमेज कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं इंसेक्ट पेस्ट। देखो एक इंसेक्ट वर्ड आएगा तो इसको हम नहीं कह सकते कि जितने भी टोटल ये सारे के सारे इंसेक्ट हैं ये पेस्ट हैं, ये बात सही नहीं है। क्योंकि इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट को अगर हम कैटेगरी डिवाइड करें तो वो हार्मफुल भी हैं और यूजफुल भी हैं, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट जो हार्मफुल होंगे, वो इंसेक्ट जो हार्मफुल है, ये तो क्या कहे जाएंगे, ये तो होंगे पेस्ट, बट ये पेस्ट नहीं होंगे। तो इससे क्लियर होता है कि वो इंसेक्ट जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं वो हैं पेस्ट, और जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, फसलों के लिए भी यूज़फुल हैं, उसको पेस्ट की कैटेगरी में नहीं रखते, उसको हम एक नॉर्मल इंसेक्ट ही कहेंगे, है ना। तो इससे दो डेफिनेशनें क्लियर होती हैं, एक मार्क्स की ये आती है पेस्ट क्या होते हैं, और दूसरी है इंसेक्ट पेस्ट क्या है। तो इतना क्लियर हो गया आपके। इसके बाद अगर अपने बात करें जो इंसेक्ट पेस्ट हैं इनकी कैटेगरी कितनी है, अपने बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की, मतलब वो इंसेक्ट जो हार्मफुल हैं, जो क्रॉप को डैमेज करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट जितने भी हैं इनकी कैटेगरी कितनी है, जो हमें इस सिलेबस के अंदर पढ़नी है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीफेगस पेस्ट, लिखिए इंसेक्ट तो यूजफुल भी होते हैं, पॉलीफेगस पेस्ट मतलब हिंदी में सर्वाहारी कीट। तो सर्वाहारी कीट वो होते हैं जो सभी प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो पॉलीफेगस पेस्ट हैं, मतलब हर प्रकार की फसल के ऊपर अटैक करेंगे, तो उसको सर्वाहारी बोलते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है फसलों के कीट, फसलों के
हानिकारक कीट व क्रॉप पेस्ट। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो भी हमारे एरिया की मेजर क्रॉप है, कॉटन है, मस्टर्ड है, तो उनके ऊपर जो इंसेक्ट अटैक करते हैं वो सारे के सारे क्रॉप पेस्ट में आ जाएंगे। मतलब अपने अपने एरिया में जो भी आपके स्टूडेंट्स के अपने एरिया के अंदर जो भी मेजर क्रॉप हैं उनके हम पेस्ट की बात करेंगे कि कॉटन का पढ़ लिया आपने, ज्वार का पढ़ लिया, शुगर केन का पढ़ लिया, वो सारे की सारी क्रॉप्स के इसमें आ जाएंगे। सिट्रस क्रॉप के अलग पढ़ लेंगे, फ्रूट्स मतलब जितने भी हैं उनके अलग पढ़ लेंगे, वेजिटेबल्स के अलग पढ़ लेंगे, वो हम पढ़ेंगे फसलों के हानिकारक कीट के अंदर। और तीसरे नंबर पर हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। संग्रहित अनाजों के कीट, ठीक है जी। देखो अपने टोटल सिलेबस के अंदर इंसेक्ट जो एंटो 3.1 पढ़ना है उसके अंदर जो इंसेक्ट पेस्ट पढ़ने हैं उसके अंदर तीन ही कैटेगरी हैं आपके सिलेबस में, पॉलीफेगस पेस्ट पढ़ने हैं, फसलों के हानिकारक कीट पढ़ने हैं और स्टोर ग्रेन पेस्ट पढ़ने हैं। तो देखो पॉलीफेगस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो सभी प्रकार की फसलों पर अटैक करते हैं, कॉमन है, कोई भी फसल नहीं छोड़ते, वो सर्वाहारी पेस्ट हैं, कीट हो गए। फसलों के हानिकारक कीट के अंदर जो क्रॉप पेस्ट हैं मतलब जो मेजर क्रॉप हैं अपनी, उसके अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे। जैसे शुगर केन के 5 इंसेक्ट अलग पढ़ लिए, कॉटन के 5 अलग पढ़ लिए, मस्टर्ड के अलग पढ़ लिए, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। स्टोर ग्रेन पेस्ट के अंदर जितनी भी स्टोर किए गए कोई भी ग्रेन है जिसको हम स्टोर करते हैं, जो भी वेयर हाउस वगैरह में पड़े हैं या अपने घरों के अंदर अपने संभाल के रखते हैं ना, वो उसके अंदर जितने भी कीट अटैक करते हैं वो हम पढ़ेंगे स्टोर ग्रेन पेस्ट के अंदर। पर इतना ही हमारा सिलेबस है। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पॉलीफेगस पेस्ट पे जो आपके पेपर का पैटर्न रहेगा उसके अंदर 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा पॉलीफेगस पेस्ट में से, फसलों के हानिकारक कीट 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको इसमें से, और स्टोर ग्रेन पेस्ट एक क्वेश्चन वो इसमें से रख लेते हैं 15 नंबर का। तो तीन ही बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर आपके, जिसमें से आपको दो सॉल्व करने होते हैं, तो 15-15 नंबर के क्वेश्चन उठाएंगे वो इनमें से। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो ये पॉलीफेगस पेस्ट हैं ये आपके सिलेबस में टोटल नंबर कितने हैं। देखो अलग अलग स्टूडेंट जो भी अपने सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे जब भी बात करते हैं या सीनियर स्टूडेंट उनको बताते हैं कि टोटल इंसेक्ट, कोई कहता है कि 120 इंसेक्ट हैं, कोई कहता है कि 150 इंसेक्ट हैं, कोई कहता है 90 हैं। टोटल इंसेक्ट की अगर अपने बात करें तो देखो मेजर की अपने बात करें कि जो अपने तैयारी कैसे करनी है आपको, इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो उसमें देखो पॉलीफेगस में आपको जितने भी इंसेक्ट पढ़ने उसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो न्यू टाइप के अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, उसमें तो क्वेश्चन पूछेंगे ही इनसे, बट जो अपने कहेंगे कि जो ज़्यादा स्कोर करना है अपने को, तो 15-15 नंबर के जो मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो इनमें से आएंगे, तो अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। तो पॉलीफेगस पेस्ट की अगर अपने बात करें तो आपके जो सिलेबस में पॉलीफेगस पेस्ट हैं उनके अपने नाम लिख देते हैं। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट, इसके अंदर पॉलीफेगस है पहला लोकस्ट, टिड्डी के नाम से जानते हैं, सबने सुना होगा कि अभी भी टिड्डियों का अटैक हुआ है, तो लोकस्ट पढ़नी है। तो लोकस्ट एक पॉलीफेगस पेस्ट है जो बस कुछ प्लांट्स को छोड़ के, कई हैं जैसे शीशम हो गया, नीम हो गया, कई पेड़ों को नहीं खाते, बाकी सब पर अटैक करते हैं, तो हम वो लोकस्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसको सर्वाहारी कीट की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद वाइट ग्रब है, सफ़ेद लट बोलते हैं इसको, ये भी सर्वाहारी कीट की श्रेणी में आता है। थर्ड है रेड हेरी कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर, हिंदी में इसको लाल बुडली भी बोलते हैं, ये भी सर्वाहारी है। फोर्थ है टर्माइट, सबने नाम सुना होगा, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा आपने, दीमक, तो ये भी सर्वाहारी कीट है।
चार हो गए, और लास्ट आपको ग्रास होपर, आजकल प्लस टू में आता है इसका एक चैप्टर ग्रास होपर, तो टिड्डा इसके बारे में पढ़ना है। तो टोटल सर्वाहारी जो पॉलीफेगस पेस्ट हैं इनके नंबर कितने हो गए, पांच आपको जो इंसेक्ट पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं, पॉलीफेगस पेस्ट पढ़ने हैं आपको। टोटल नंबर कितने हैं, पांच है। अब इसकी हम पहले लोकस की डिटेल पढ़ेंगे, बाद में इसके बाद ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद जैसे ही हम प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करेंगे, लोकस पढ़ेंगे, वाइट ग्रब पढ़ेंगे, रेड हेरी कैटरपिलर की डिटेल पढ़ेंगे, टर्माइट की पढ़ेंगे और ग्रास ओपर पढ़ेंगे, और पॉलीफेगस वाला ये अपना पोर्शन कंप्लीट होने के बाद फिर अपने पढ़ेंगे, या तो ये पढ़ लो टॉपिक या पहले ये वाला टॉपिक कर देंगे। तो फसलों के जो हानिकारक कीट हैं क्रॉप पेस्ट, तो इसके अंदर हम डिवाइडेशन करेंगे कि जो वेजिटेबल्स क्रॉप हैं उनके ऊपर कौन कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं, है ना, और जितने भी सिट्रस क्रॉप आ गई या फ्रूट्स हैं जितने भी उनके ऊपर कौन करते हैं, शुगर केन की जो क्रॉप है उसके ऊपर कौन कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं, तो अलग अलग हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और प्रॉपर हर एक क्रॉप के मेजर जो पेस्ट हैं, दो या तीन चार जितने भी पेस्ट आएंगे उसकी हम डिटेल पढ़ेंगे, तो वो हो जाएंगे इसके अंदर। और स्टोर ग्रेन पेस्ट, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो भी संग्रहित अनाज है उनके ऊपर जो अटैक करेंगे वो है स्टोर ग्रेन पेस्ट। इसकी देखो कैटेगरी आती है, इसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा। स्टोर ग्रेन पेस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, दो पार्ट्स में। एक तो है प्राइमरी इंसेक्ट आते हैं इसके अंदर, और एक आते हैं सेकेंडरी इंसेक्ट। तो देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी इंसेक्ट किसे बोलते हैं, प्राइमरी इंसेक्ट तो वो होते हैं कि जो प्रॉपर जो सीड आपका जो फ्रेश सीड पड़ा है उसके ऊपर अटैक करते हैं और उनको खाते हैं, या खड़ी फसल पर भी अटैक कर सकते हैं, तो वो तो हैं प्राइमरी इंसेक्ट जो सीड खाते हैं। और जो सेकेंडरी इंसेक्ट वो होते हैं कि जो प्राइमरी इंसेक्ट ने जो सीड को डैमेज कर दिया और उस जो डैमेज सीड है उसके अंदर अपने अंडे वगैरह देते हैं और अपना सर्वाइवल शो करते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी इंसेक्ट। तो प्राथमिक कीट हो गए, द्वितीयक कीट हो गए, वो हम इसकी कैटेगरी अलग बनाएंगे और इसकी कैटेगरी अलग बना लेंगे। तो ये हमारा एक इंसेक्ट पेस्ट का एक फ्लो चार्ट रहेगा, क्योंकि इसको हम इसका फ्लो चार्ट आगे बना रही है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी बन जाएंगी वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, ऑयली जितने भी क्रॉप हैं, तो ये सारे के सारा हम अलग पढ़ेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको याद रखना है कि आपका जो पैटर्न है सिलेबस का वो प्रॉपर ये पैटर्न रहेगा, तीन ही टॉपिक रहेंगे और आगे उसको इंसेक्ट डिवाइड किए जाएंगे और हर इंसेक्ट की हमें डिटेल पढ़नी है। तो टोटल हम एंटो 311 के अंदर जितने भी हम इंसेक्ट पढ़ेंगे उनका नंबर आप मान के चलो कि 100 से बस, या इतने इंसेक्ट आप टोटल, इसको सीधी सी बात याद रखना कि हमें 100 इंसेक्ट पढ़ना है। देखो टफ नहीं है इतना ज़्यादा, आप एक इंसेक्ट की डिटेल करोगे कि एक इंसेक्ट की जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, कॉमन नेम हो गया उनका, क्लासिफिकेशन के बाद कॉमन नेम हो गया, उसकी स्पीसीज़ हो गई, स्पीसीज़ के बाद हम उसका पढ़ेंगे उसका डैमेज कैसे करेगा, वो टॉपिक आ जाएगा। डैमेज एंड सिम्टम का टॉपिक हो जाने के बाद हम पढ़ेंगे उसका लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री कैसी है, कंप्लीट लाइफ साइकिल है, इनकम्प्लीट है, और उसके बाद हम उसका पढ़ेंगे मैनेजमेंट की, अगर उस इंसेक्ट ने हमारी क्रॉप के ऊपर अटैक कर दिया है तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके अंदर कौन कौन से पेस्टिसाइड हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ होगा, केमिकल होगा, फिजिकल होगा, जो भी कंट्रोल आएगा वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया कि हम पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर ग्रेन एंड दियर मैनेजमेंट का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हमें यहां से स्टार्टिंग करनी है। अगर कोई आपको डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जब भी हम जूम ऐप के ऊपर आपकी ऑनलाइन क्लास लेंगे तब आप उसके अंदर अपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं, जो भी आपको डाउट होगा वो डाउट आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वहाँ क्वेश्चन कोई पूछने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस पर्सनल नंबर पे, मैंने जो आपके इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, आप उसके ऊपर कॉल करके भी हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे पॉलीफेगस पेस्ट के अंदर लोकस्ट के बारे में, वाइट ग्रब में, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपना सिलेबस क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।